नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। सुबह के 10 बजने को है और सुबह के सबसे दमदार बहस के बुलेटिन 10 का दंगल के साथ मैं हूं प्रत्युष करे, सीधे ग्राउंड जीरो मालदा से आपके साथ लाइव। चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में हमने सियासी चोला भी देख लिया, धार्मिक चोला भी देख लिया और इन सबका मिला जुला रूप भी देख लिया। लेकिन इसके साथ साथ अब पाक रमजान शुरू हो रहा है, पवित्र नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है, अब इस पर भी सियासी कलर चढ़ गया है। आपने ममता बनर्जी को देखा कि ममता बनर्जी एक तरफ जहां कलमा पढ़ती हैं, दूसरी तरफ वो चंडी पाठ भी पढ़ती हैं, सरस्वती वंदना भी करती हैं और हरे कृष्णा हरे हरे भी करती हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि ममता दीदी कलमा पढ़ती हैं, सिर ढक करके आप कलमा पढ़ने का अंदाज आपका बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ छल है। मुसलमानों को अब तक आप छलती आई हैं और इस बार भी वही कर रही हैं। ममता दीदी, आपको क्या हो गया, आपने अचानक चंडी पाठ शुरू कर दिया? आप तो एक जमाने में कहती थी कि मुझे सार्वजनिक प्रदर्शन करने की आदत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूं। आज की तारीख में आप तो अपने आप को हिंदू ब्राह्मण की बेटी, यहां तक कि अपना गोत्र भी बता रही है। अब बीजेपी और तमाम नेता तंज कर रहे हैं कि चूंकि नवरात्र शुरू हो रहा है, क्या ममता बनर्जी जी नवरात्र में फिर से चंडी पाठ शुरू करेंगी क्या, या फिर पाक रमजान में आप कलमा पढ़ती हुई नजर आएंगी, यानी कि हिंदू के साथ साथ मुसलमान वोटरों को भी लुभाने की कोशिश की जाएगी क्या? इस दौरान बाकी पार्टियों का भी सियासी रंग हम देखेंगे और आज 10 का दंगल में बड़ी बहस इसी विषय पर कि क्या नवरात्र और पाके रमजान में अभी हमें सियासत का और कितना रूप देखना है, क्या वोटरों को लुभाने के लिए अब कलमा चंडी पाठ तमाम चीजें होंगी, क्या ये वो लोग करेंगे जो कभी ये कहा करते थे कि हम सार्वजनिक जगहों पर धर्म का प्रदर्शन नहीं करते। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अल्लाह का जे प्रार्थना करी, अल्लाह दुआ दाओ, शुभ कामना दाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तआलार काछे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ करो, সবাইকে ভালো রাখো। ये धोखा है। वो धोखा था। दुआ दाओ, शुभ कामना दाओ। ये फरेब है। वो फरेब था। मोहम्मद रसूलुल्लाह। बंग भूमि की जंग फतह करने का सियासी खेला जोर शोर से जारी है। समूचे भद्रलोक के संग्राम में दीदी के धर्म खेला पर बवाल मचा हुआ है। अब एक बार फिर से नवरात्र आ रहे हैं तो सवाल ये भी पूछा जाने लगा है कि मजहबी समीकरण का संतुलन साधने के लिए तृणमूल कांग्रेस की मुखिया चंडी पाठ करेंगी या फिर कलमा, क्योंकि तुष्टीकरण की सियासत करने के इल्जाम का सामना करती रही ममता बनर्जी ने बंग के रण में उतरते ही मंदिर और मजार वाली चाल चली तो विरोधी दलों ने इसे दीदी की ओर से वोट की खातिर फैलाया गया मजहबी सियासत का भ्रम जाल बता दिया। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। माँ सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। ममता दीदी अचानक बदली बदली सी दिख रही है, ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है, ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से सब कुछ करवा रही है। ममता पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने बंगाल में सत्ता पाने के लिए मुसलमानों को खूब तोहफे दिए हैं। 2012 में पश्चिम बंगाल में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया, 30,000 इमामों को 2500 रुपए महीना भत्ता का ऐलान किया, 15,000 मुअज्जिनों को भी 1500 रुपए महीना भत्ता दिया गया। 2013 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इमामों का भत्ता रोक दिया, हाईकोर्ट ने भत्ते को भेदभाव और फिजूल खर्ची बताया था। बंगाल के रण में शुरुआत से ही बीजेपी ये दावा करती रही है कि बंगाल में ममता राज में कुछ ऐसा हाल है, धर्म के नाम पर जैसे हिंदू त्योहारों को लेकर भगवान का नाम लेने तक की खुली छूट नहीं है। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते हुए तो ममता दीदी भी जय श्री राम मूर्ति हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए
दस का दंगल में बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों साहब का परिचय करा देते हैं। बापा चटर्जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एच एस रावत साहब हैं, हिंदू धर्म गुरु। बादल देवनाथ जी हैं, टीएमसी के नेता। बादल देवनाथ जी, गुड मॉर्निंग। बादल देवनाथ जी, अब तो पाके रमजान और पवित्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, ममता बनर्जी को किस रूप में देखेंगे हम? जी, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, पूरा देश को, जी हिंदुस्तान के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। मैं बचपन में सुना था, चोर साधु बन के घूमता है, चोर लुटेरा डाका साधु बन के घूमता है, चोरी करने से पहले, डाकाती करने से पहले मंदिर में जाते हैं, वहां पर पूजा करते थे, पूजा करने के बाद डाकाती करते थे। मैंने सुना था और कुछ नहीं बोलूंगा। और एक वीडियो अभी देखा, जोगी जी ने कहा है दुर्गा पूजा प्रतिबंध जो लगाएगा उसको जेल भेजेगा। मैं अभी आपका वीडियो देखा, प्रोग्राम सुनने से पहले जोगी जी का वीडियो। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा सरकार डायरेक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दुर्गा पूजा का प्रतिबंध क्यों लगाया, वहां पर दुर्गा पूजा क्यों नहीं होता? तो पहले तो जोगी जी को जेल भेजना पड़ेगा। तीसरा, और चार लोगों को मैं रमजान मास का शुभकामनाएं मैं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। क्या बोला आपने, यूपी में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया? हाँ बिल्कुल, इस बार दुर्गा पूजा नहीं हुआ। बादल देवनाथ जी, आपने कहा कि यूपी में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कब प्रतिबंध लगा यूपी में? यस, आई एम श्योर सर, आई एम श्योर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं उल्टा सीधा बात नहीं बोलता प्रत्युष जी, आप मेरा बड़े भैया है और आपके सामने जी हिंदुस्तान नेशनल चैनल है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और जोगी जी को पहले जेल भेजना पड़ेगा, और जोगी जी को पहले जेल इस कारण भेजना पड़ेगा जो बंगाल में बापा चटर्जी सुन रहे हैं जी। बापा चटर्जी, बादल देवनाथ कह रहे हैं कि सबसे पहले योगी जी से जवाब मांगा जाए दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने के लिए। पता नहीं इन्फॉर्मेशन कहां से आ गई कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित कर दिया गया। नहीं हुआ इस बार दुर्गा पूजा, नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। बादल दा, शुभ सकाल प्रत्युष जी, हेलो, भालो देखो, ভালো থাকবে, বলে না নমস্কার দাদা, নমস্কার, ভালো থেকো, বলে না মা পার্বতী মাতা ইচ্ছা, ভালো থেকো। প্রত্যুষ জি, বাদল যা শুরুয়াতি মে জো বাত বলে ও বাত একদম সহি বাত বলে হ্যাঁ, और बादलदा जो स्वीकार कर लिए है सच्चाई, इस पे हमको और खुशी हो रहा है कि वो सच्चाई को मान लिए है कि डकैती करने के लिए जो लोग ढोंग करते थे वो लोग आज राजनीति का मंच पे आके वही ढोंग कर रहे हैं, कभी हिजाब डाल के और कभी मंच पे चंडी पाठ करके। तो बादलदा का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बादल दा ने बंगाल की सच्चाई को उठा के सामने रख दिया कि बंगाल के सारे बंगाल के जनता ये जान रहा है कौन इमाम के लिए पिछले 7-8 साल से भाता देने का प्रलोभन देके जो ढोंग किया था, अब पुरोहित के लिए कौन ढोंग कर रहा है। तो बादल दा धन्यवाद सच्चाई जन समक्ष में लाने के लिए, और जी मीडिया का धन्यवाद कि इस चैनल के द्वारा सभी के पास ये सच्चाई पहुंचेगा कि ममता बनर्जी मंच पे चढ़ चढ़ के सिर्फ ढोंग किए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके प्रवक्ता लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं। अच्छा, बादल देवनाथ देखिए चुनाव तो चलता रहेगा, पूरी प्रक्रिया 2 तारीख को रिजल्ट आएगी तब पता चलेगी। लेकिन एक बात बताइए, जो पाके रमजान और पवित्र नवरात्र की शुरुआत हो गई, कहीं कंफ्यूजन में तो नहीं आ गई दीदी कि क्या करूं, कलमा पढ़ू कि चंडी पाठ पढ़ू? कंफ्यूजन तो नहीं है, दुविधा तो नहीं है, क्योंकि अगर एक करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, कुछ और करेंगे तो एक दूसरा नाराज हो जाएगा, कैसे बैलेंस करेंगे? एंकर ही पूछ सकते हैं, और जो जो चाय का दुकान में जो आड्डा मारते हैं वो लोग पूछ सकते हैं। मैं प्रत्युष जी सीनियर है, ऐसे नहीं सवाल नहीं। और बापा को मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, बापा राजनीति में थोड़ा परिपक्व हो गया। सुनिए बादल देवनाथ जी, चूंकि नवरात्र रमजान की शुरुआत हो रही है बंगाल के चुनाव में, और ये सवाल प्रत्युष खरे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इस दौरान हमने ममता बनर्जी के बदले हुए रूप रंग को देखा है। वो ममता बनर्जी को हमने देखा है जो साफ साफ कहती थी मंच पर, डंके की चोट पर कहती थी कि मुझे कोई जरूरत नहीं है सार्वजनिक प्रदर्शन करने की, मैं कौन हूं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसी ममता बनर्जी को प्रत्युष खरे आज की तारीख में बदला हुआ देख रहा है। वही ममता बनर्जी कलमा पढ़ रही है तो चंडी पाठ पढ़ रही है, उसी ममता बनर्जी को प्रत्युष खरे देख रहा है कि वही ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही है। तो क्या यह बदला हुआ रूप नहीं है क्या?
सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? आंसर भी ले लीजिए, 50 सेकंड टाइम दीजिए, आंसर भी ले लीजिए पुत्र जी, मेरे बड़े भैया आंसर भी ले लीजिए। पहले पापा को कहना चाहते हो, पापा देश को बेचने वाला जो लोग, तुम राजनीति में थोड़ा परिपक्व हुआ, मुझे पता चल गया, मैं जो कहा जो चोर जो चोरी चोरी करने से पहले पूजा करना दादा, था देश को किसने बेचा और किसको बेचा इसका उत्तर भी दे दीजिए। दादा देश को किसने बेचा और किसको बेचा और कब कब बेचा इसका डेटा भी थोड़ा दे दीजिए, किसके पास देश को बेचा? टेलीकॉम को बेच रहा है, बैंक को बेच रहा है, पूरे देश को किसको किसके पास बेच रहा है? आप लोग ये एक झूठा अफवाह फैला रहे हैं कि देश बेच रहा है, देश बेच रहा है, मुझे बताइए किसको बेच रहा है? वो आदमी कौन है जो खरीद रहा है? एचएस रावत जी को मैं शामिल करूंगा। एचएस रावत जी, एचएस रावत जी, एचएस रावत जी, ममता बनर्जी अगर चंडी पाठ कर रही है, ममता बनर्जी अगर चंडी पाठ कर रही है तो किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? भले पहले भले पहले वो नहीं करती रही हो, आज की तारीख में कर रही है, तो फिर इस पर बहस क्यों? प्रत्युत जी चंडी पाठ कर रही है, हमें खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां वोटों के लिए अपने चेहरे को और अपने नकाब को जो पलटती है ना, उससे तकलीफ है। पिछले 10 सालों के अंदर इन्होंने किस प्रकार से हिंदुओं का वहां पर शोषण किया, किस प्रकार से सरेआम गौ हत्या हुई, किस प्रकार से गायों की आज भी तस्करी बांग्लादेश होती है, और हमारे जो मंदिर थे बड़े बड़े तारकेश्वर मंदिर, उसका ट्रस्ट का हेड अध्यक्ष चेयरमैन बॉबी कादरी को बना दिया। हम लोगों ने कितना विरोध किया कि एक मुसलमान मंदिर का ट्रस्ट का मेंबर नहीं हो सकता, और किस प्रकार से पुजारी वहां पर अपनी मंदिर जाप नहीं कर सकते, रामायण का पाठ नहीं कर सकते, मैंने खुद देखा है। आज अपनी वोटों के लिए सतचंडी के सामने अगर भीख मांग रही है ममता बनर्जी, तुम्हें इसका विरोध करता हूं। आपके नाम से लिखा होगा ना, ये मत कीजिए। धर्म का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? अरे बंगाल में बादल साहब, मैंने खुद देखा है, जाकर के खुद देखा है, आज भी 400 का डेली बैठिए। आपने तारकेश्वर मंदिर का चेयरमैन पर्सन बाबरी कादरी को बना दिया, जो वहाँ का गुंडा था, MLA था, जो मंत्री था। आप क्या चाहते थे? मंदिरों की कमान पूरी की पूरी मुसलमानों को, इमामों को दे दी जाए? आज मजबूरी है दीदी की, आज सतचंडी के सामने भीख मांग रही है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ। अब देखिए इसके सीनों को, इसलिए प्रत्युत जी आज इनकी मजबूरी हो गई है, आज तड़फड़ा रहे हैं, आज इनको हिंदू याद आ रहे हैं, आज इनको गौ माता भी याद आ रही है, और सतचंडी माँ भी याद आ रही है, और दुर्गा भी याद आ रही है। राम का पुनः मंत्र बताइए, मैं आपको सुना रहा हूँ, भगवान विष्णु का। पहले मेरी बात सुन लो, मैं आपके बीच में बोला नहीं ना, मेरी बात का जवाब दे दो बादल साहब, मेरी बात का जवाब दे दो, मैं आपसे बीच में बोला नहीं था। मैंने कहा था अगर आप हिंदुओं के इतने हितैषी थे तो आपने तारकेश्वर मंदिर का चेयरपर्सन उसका ट्रस्ट का मेंबर क्यों बनाया? उसको तारकेश्वर बोबी को सुन लीजिए, आप धर्म को नहीं है, आपने हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। देख के मुझे सरेआम गौ हत्या होती रही है, सरेआम गौ हत्या होती रही है, सड़क के ऊपर गाय को पाटा जाता रहा, उस समय क्या आपकी आंखें अंधी हो गई थी? क्या ममता दी को दिखता नहीं था? सीता माता के साथ सेवा कीजिए, भगवान विष्णु का सेवा कीजिए। छोड़िए छोड़िए, देवनाथ जी नाम तो आपने देवनाथ रखा हुआ है, नाम तो आपने बादल रखा हुआ है, हिंदू विरोधी काम करते हो, इसलिए आप जाओ शरण में, आप जाओ रमजान की शरण में, आप हिंदू की वोट आपको मिलने वाला नहीं। हिंदू हिंदू समझ चुका है, हिंदुओं को समझ आ गई है कि तुम आप लोगों ने किस तरीके से हिंदू का शोषण किया, किस प्रकार से मंदिरों के ऊपर आपने कब्जा करने की कोशिश की, किस प्रकार से दुर्गा माता के पूजा के लिए विसर्जन के लिए आपने पैर लगाए, हंगामे हुए, हिंदुओं के साथ मारपीट हुई, मुसलमानों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हार गया धर्म गुरु, धर्म गुरु हंसने से क्या होता है? हंसने से क्या होता है? आप एक पार्टी के प्रवक्ता है, मेरी बातों का जवाब दो, मैं धर्म गुरु, मेरी बातों का जवाब दीजिए ना, सुन लो मेरा, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। धर्म के बारे में सरेआम 10 साल आपने गौ हत्या कराई, बताओ विरोध के बाद कराई,
सरेआम आपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मरवाया, उस समय आप लोग कहां थे? अपना मत बताओ, कोई पूछने वाला नहीं था आपको, अपना मत बताओ। इसलिए आपकी कलई फूल रही है। बताओ गणेश जी का अपना मत, अभी आप सत्संग करो, कुछ नहीं जानते, चाहे भागवत करो, चाहे लेके आप रामायण का पाठ करो, धर्म करो। मेहताब उस्मानी भी छुट चुके हैं। मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी को कलमा पढ़ते हमने देख लिया, ममता बनर्जी को हमने चंडी पाठ करते देख लिया। लोग कह रहे हैं कि ये सब चुनावी मौसम में सारी चीजें हो रही हैं, और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, ये खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है और तंज भी कसा है कि ममता दीदी आप क्या क्या कर रही हैं, आप तो ऐसी ना थी। अब देखिए, धर्म को साबित करने के लिए राजनीति में कुछ तो करना पड़ेगा। जब सारी पार्टियां धर्म को साबित कर रही है कि हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, तो ममता बनर्जी को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो वही कर रही है, जिसको जो ये लोग सब करते हैं वही वो कर रही है, वो भी ममता बनर्जी तो करती थी, कहती थी मैं बिल्कुल अलग राजनीति करती हूं, मैं तो धर्म की राजनीति करती नहीं, तो फिर दीदी को क्या जरूरत थी? यानी दीदी भी उसी खाके में आ गई ना, जानबूझ के हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मैं बता रहा हूँ, जानबूझ करके दुर्गा पूजा को बैन किया, जानबूझ के विसर्जन पर बैन किया, परमिशन लेनी पड़ती थी, गौ हत्या सरेआम होती रही, गाय की ब्लैकमेलिंग होती रही, वहां से लगातार आप बांग्लादेश भेजते रहे। अच्छा सरावत जी, एक सेकंड रुक जाइए, मेहताब उस्मानी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मेहताब उस्मानी बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है मुझे। सर मैं कह रहा हूँ मेहताब उस्मानी की आवाज़ नहीं आ रही, जो दौर चल रहा है ना इलेक्शन के, इस दौर में ममता बनर्जी को भी प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं भी हिंदू हूँ, वरना राजनीति अधूरी रह जाती है। सारी पार्टियां ये साबित करने के चक्कर में लगी है, खासकर बीजेपी, कि हम हिंदू पार्टी हैं, हम सिर्फ हम ही हिंदू के वो हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी को भी मंदिर जाके पूजा करके ये साबित करने की जरूरत पड़ी है कि हाँ मैं भी हिंदू हूँ। हालांकि अब तक 10 साल में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये राजनीति धर्म की हो रही है, तो उनको भी धर्म की राजनीति में उतरना मजबूरी है। क्यों मेहताब जी क्यों 2021 में जरूरत पड़ गई? मेहताब जी आप समझ पा रहे हैं क्यों जरूरत पड़ गई ममता बनर्जी को? जरूरत इसलिए पड़े, इससे पहले तो हमने नहीं देखा ममता बनर्जी को कभी। 2021 में चुनावी धर्म पे कर रहे हैं ये लोग, चुनावी धर्म पे कर रहे हैं, ये धर्म पे ही चुनाव हो रहा है 2021 में। इसका जवाब मुझे लगता है बादल देवनाथ देंगे। बादल देवनाथ जी सुन रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेहताब उस्मानी कह रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर और इस्लाम की अच्छी जानकार ममता बनर्जी भी है। बताइए जरा बादल देवनाथ जी, ये साफ साफ कह रहे हैं मेहताब उस्मानी जी, चुनाव में वोट पाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, ये रंग रूप चोला सब बदला जा रहा है। प्लीज ममता बनर्जी ने ब्राह्मण भाता भी दिया, इमाम भाता भी दिया, हर मंदिर का संस्कार भी किया, मस्जिद का संस्कार भी कर रहे हैं ममता बनर्जी, और जो धर्मगुरु को लेके आए जितना धर्मगुरु कहना चाहता हूँ, ओम जयंति मंगला काली भद्र काली कपाल नारायण नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु मत्ते रूपेण समर्पिता नमस्ते 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 नमः। यही कहते हैं कि चुनाव जो ना करवाए, चुनाव चुनाव वोट जो ना करवाए। बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, मैं इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, एक सेकंड, बादल देवनाथ जी, मैं इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, बहुत डिबेट शो मैंने किए हैं, लेकिन टीएमसी के नेताओं और प्रवक्ताओं को पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ जब से डिबेट हो रही है बंगाल चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर, न जाने कितने प्रवक्ता, खास तौर पर आप बादल देवनाथ जी, आप कभी सरस्वती वंदना करते नजर आते हैं, माँ काली का पाठ करने लगते हैं, दुर्गा स्तुति करने लगते हैं, ये हो क्या गया टीएमसी को? और तब आप कहते हैं कि साहब हमें किसी धार्मिक चश्मे से ना देखा जाए, वोट जो ना करवाए, मान लीजिए कोई हर्ज नहीं है, मान लीजिए बादल देवनाथ जी, वोट पाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। एक बात को मान लीजिए कि ये बीजेपी का भय है कि जो तृणमूल कलमा पढ़ती थी वो तृणमूल का आज राम नाम लेना पड़ रहा है, वो तृणमूल का आज मंत्र उच्चारण करना पड़ रहा है, जो तृणमूल हिजाब पहन के घूमती थी मुस्लिम तोषण करने के लिए जानी जाती थी उस तृणमूल को आज कलमा छोड़ के राम नाम पढ़ना पड़ रहा है, उस तृणमूल दल को आज चंडी पाठ करना पड़ता है, जो तृणमूल कांग्रेस को चाहिए था कि वो अपना डेवलपमेंट का बात बोले,
बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देता हूँ, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त घुसपैठ को लेकर। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला किया है, वो कह रहे हैं ममता राज में बंगाल में भारी घुसपैठ हुई है, बीजेपी आएगी तो घुसपैठ की समस्या खत्म हो जाएगी, बीजेपी आए तो घुसपैठिए छोड़िए परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अमित शाह ने ये बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कि ममता राज में बंगाल में भारी घुसपैठ हुई है, बीजेपी अगर आएगी तो घुसपैठ रुक जाएगी। क्या कहा अमित शाह ने सुनिए। एक कांग्रेस कम्युनिस्ट और दीदी घुसपैठियों को रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं क्या? कौन रोक सकता है? बीजेपी ही रोक सकती है। मित्रों आप एक बार यहां भाजपा की सरकार बना दो, घुसपैठिया छोड़ो, परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की रचना हम कर। तो जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ साथ बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा भी बड़ा गर्म है और इसी को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। तो टीएमसी भी इसका जवाब दे रही है कि दरअसल में मुसलमानों को डराने के लिए सब कुछ ये बीजेपी कर रही है, वोट बांटने की फिराक में बीजेपी है। लेकिन इस बीच टीएमसी भी बदलती हुई नजर आ रही है, जिस डिबेट में भी आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, 10 का दंगल में ये बड़ी बहस जारी है। प्रायोजक अंबर गोल्ड टीएमटी, सच्चाई की ताकत। अल्लाह का जी प्रार्थना करी, अल्लाह दुआ दाओ, शुभ कामना दाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तआलार কাছে ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ करो, সবাইকে ভালো রাখো। ये धोखा है, वो धोखा था, दुआ दाओ, शुभकामना दाओ, ये फरेब है, वो फरेब था। बंग भूमि की जंग फतह करने का सियासी खेला जोर शोर से जारी है। समूचे भद्रलोक के संग्राम में दीदी के धर्म खेला पर बवाल मचा हुआ है। अब एक बार फिर से नवरात्र आ रहे हैं, तो सवाल ये भी पूछा जाने लगा है कि मजहबी समीकरण का संतुलन साधने के लिए तृणमूल कांग्रेस की मुखिया चंडी पाठ करेंगी या फिर सलमा, क्योंकि तुष्टीकरण की सियासत करने के इल्जाम का सामना करती रही ममता बनर्जी ने बंग के रण में उतरते ही मंदिर और मजार वाली चाल चली, तो विरोधी दलों ने इसे दीदी की ओर से वोट की खातिर फैलाया गया मजहबी सियासत का भ्रम जाल बता दिया। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। माँ सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। ममता दीदी अचानक बदली बदली सी दिख रही है, ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है, ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से सब कुछ करवा रही है। ममता पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने बंगाल में सत्ता पाने के लिए मुसलमानों को खूब तोहफे दिए हैं। 2012 में पश्चिम बंगाल में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया, 30,000 इमामों को 2500 रुपए महीना भत्ता का ऐलान किया, 15,000 मुअज्जिनों को भी 1500 रुपए महीना भत्ता दिया गया। 2013 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इमामों का भत्ता रोक दिया, हाईकोर्ट ने भत्ते को भेदभाव और फिजूल खर्ची बताया था। बंगाल के रण में शुरुआत से ही बीजेपी ये दावा करती रही है कि बंगाल में ममता राज में कुछ ऐसा हाल है। धर्म के नाम पर जैसे हिंदू त्योहारों को लेकर भगवान का नाम लेने तक की खुली छूट नहीं है। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते हुए तो ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मृत्यु में भी तुष्टिकरण और वोट की राजनीति। दीदी, ओ दीदी, अब आपको लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। बंग की जंग में दीदी का नरसंहार खेला, वोट के लिए दीदी की गोली वाली बोली। बंगाल को और कितना रक्त रंजित करेंगी दीदी। इट्स अ जेनोसाइड। व्हाई इट्स अ जेनोसाइड? देखें गुलीगुलों के स्प्रे करे छे। गुली करते होले तुम्ही नीचे करबे कोमरे नीचे। कूच बिहार में शनिवार को जब केंद्रीय बलों ने हिंसा पर उतारू टीएमसी की गुंडा ब्रिगेड को काबू करने के लिए गोलियां चलाई तो दीदी को उसमें वोट दिखने लगे। अभी पीड़ित परिवारों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि दीदी ने नरसंहार खेला को वोट खेला में बदलने का ड्रामा शुरू कर दिया। काला चोगा पहनकर दीदी मैदान में उतर गई और उनका उड़न खटोला भी कूच बिहार कूच करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती और सुरक्षा कारणों से जब उन्हें कूच बिहार जाने की अनुमति नहीं मिली तो दीदी आग बबूला हो गई और आत्मरक्षा में चलाई गई केंद्रीय बलों की गोली से गुंडों की मौत को नरसंहार कहना शुरू कर दिया। কতগুলো সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটা গুলি গলায় অথবা ঢুকে লেগেছে। এবং সিআইএসএ তাদের কাজ কি? তারা জানে না হাউ টু কন্ট্রোল দ্য মব। দ্য প্রবলেম ইজ সিআইএসএ হ্যাজ নো রোল টু প্লে অ্যাবাউট দ্য কন্ট্রোলিং মব। লেকিন লাশো পর দিদি নে খেলা কর দিয়া। কুচ বিহার মে শনিবার কো 5 লোগো কি মৌত হুই থি, লেকিন দিদি নে সিরফ 4 লোগো কা নাম লিয়া। কুচ বিহার মে আনন্দ বর্মন কি মৌত পর দিদি মৌন কিউ থি? দিদি কিয়া আনন্দ বর্মন কি মৌত নরসংহার নহি হ্যায়? जलपाईगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारकर पेड़ पर लटकाया, दीदी क्या यह नरसंहार नहीं है? वहीं उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता सैकत भवाल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, दीदी क्या यह नरसंहार नहीं था? वहीं पुरुलिया में दलित बीजेपी कार्यकर्ता त्रिलोचन महतो को कत्ल कर लाश पेड़ पर लटकाई, दीदी क्या यह नरसंहार नहीं है? इसके बाद नादिया जिले में शांतिपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रताप बर्मन और दीपांकर विश्वास की हत्या क्या यह नरसंहार नहीं है? बंगाल में बीजेपी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, दीदी क्या यह नरसंहार नहीं तो और क्या है? आनंद बर्मन मर गया उसका भी हमें दुख है और बाकी जो 4 लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया। कूच बिहार कांड के लिए दीदी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराकर अपने लिए सहानुभूति वोट बटोरना चाहती हैं। लेकिन दीदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर उन्होंने लोगों को हसिया और कलछुल लेकर पोलिंग बूथों पर आने के लिए नहीं उकसाया होता तो शायद कूच बिहार में 5 लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। एक कांग्रेस, कम्युनिस्ट और दीदी घुसपैठियों को रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं क्या? कौन रोक सकता है? बीजेपी ही रोक सकती है। मित्रों, आप एक बार यहां भाजपा की सरकार बना दो, घुसपैठिया प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, प्रायोजक आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। तो आप देख रहे हैं 10 का दंगल और बड़ी बहस हो रही है कि आखिर नवरात्र और रमजान आने पर ममता बनर्जी क्या करेंगी, चंडी पाठ पढ़ेंगी, कलमा पढ़ेंगी। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने ममता बनर्जी के कलमा पढ़ने पर क्या कहा था, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ममता बनर्जी पर उन्होंने कहा था कि ओढ़नी ओढ़कर अल्लाह अकबर कर रही है ममता बनर्जी।
मुस्लिमों को खुश करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। दरअसल दीदी ममता के ढोंग से मुस्लिम जज्बात में आ जाते हैं। मुसलमानों को स्कूल कॉलेज चाहिए, ममता का ये ड्रामा नहीं चाहिए। आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी के कलमा पढ़ने पर क्या कहा। ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना, बोली अल्लाह अकबर बोले, बड़ा खुश। अरे देखो भाई ममता बनर्जी बोले। बस जज्बाती मुसलमान आंख में आंसू लाके क्या बोले। एक बार तो उन्होंने उनका वीडियो मेरे को भी दिखाए, उन्होंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हमारे लोग मियां कुछ दिख रहा, कुछ भी नहीं दिखता बाबू, ये खाली आपको खुश करने के काम है। अब रमजान आ रहा, हर आदमी इफ्तार की दावत, अब तो बीजेपी भी कर रही है। ये हमको जरूरत नहीं है इन चीजों की, हमको जरूरत क्या है, हमारे बच्चों को स्कूल, हमारे बच्चे बच्चियों को कॉलेज, हमारे महल्ले में पीने के पानी की लाइन, ड्रेनेज की लाइन। इंसाफ की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है। मेहताब उस्मानी जी, ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसे कलमा पढ़ने से, दीदी के कलमा पढ़ने से मुस्लिम जज्बात में आ जाते हैं। मुस्लिमों को स्कूल कॉलेज चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए। सर ऐसा है, पिछले 10 साल में स्कूल कॉलेज बने तो हैं, और कितना डेवलपमेंट चाहिए, बने तो हैं स्कूल कॉलेजेस। और दूसरी बात ये, इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो धर्म की राजनीति का चल रहा है। ममता दीदी अगर ये कहेंगे मैं स्कूल कॉलेज बनाऊंगी तो लोग ध्यान नहीं देंगे उनपे। और जैसे बीजेपी बोल रही है धर्म की राजनीति कि हम घुसपैठ ये नहीं घुसने देंगे, हम इसको नहीं आने देंगे, हम उसको जेल भेज देंगे, तो वही राजनीति वो कर रही है। और दूसरा ऑप्शन ही नहीं उनके पास, बताइए क्या ऑप्शन है। यानी आपके मुताबिक, मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, आपके मुताबिक मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए ममता बनर्जी ने 10 साल में बहुत बड़े बड़े काम किए। जो आंकड़े गिनाए असदुद्दीन ओवैसी ने कि 6% मात्र है सरकारी नौकरी में, वो कह रहे हैं 37% तो जेल में ठूक दिए मुसलमानों को ममता बनर्जी। आपने आंकड़े गिनाए, अभी इमामों की सैलरी की है, 5,000 से इमामों को भत्ता दिया है, बहुत सारे काम किए उन्होंने। अभी आपने गिनाया है, ओवैसी ने नहीं, अभी आपने गिनाया है इमामों को भत्ता दिया है जिसको हाईकोर्ट ने रोका था, और बहुत सारे काम किए मुसलमानों के लिए। इमामों को भत्ता देने से, इमामों को भत्ता देने से पूरे अल्पसंख्यकों का डेवलपमेंट हो गया, उनका विकास हो गया। भाई क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए, क्या चाहिए, स्कूल कॉलेजेस सारे ऑलरेडी है वहाँ, बताइए। तब तो फिर ममता बनर्जी को डरना नहीं चाहिए, मुस्लिमों फिर तो ममता बनर्जी को एक पुष्ट वोट मिलना चाहिए। फिर क्यों कह रही है कि अलग अलग मत हो जाना, एक हो जाना। बप्पा चटर्जी, बप्पा चटर्जी, आप लोग, बप्पा चटर्जी, आप लोग बीजेपी जो टीएमसी कह रही है, मेहताब उस्मानी भी जो कह रहे हैं, उनका इशारा सी हो रहा है। धन की राजनीति आप करते हैं, ममता बनर्जी ने बहुत डेवलपमेंट कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी झूठ बोल रहे हैं, आपकी पार्टी बीजेपी ये झूठ बोल रही है, आप लोग धन की राजनीति कर रहे हैं। पत्रु सी, जब एक मुख्यमंत्री को मंच पे आकर कलमा पाठ करना पड़े, जब एक मुख्यमंत्री को मंच पे आके चंडी पाठ करना पड़े, जब एक मुख्यमंत्री को धर्म के सहारे अपनी राजनीतिक बैतरणी पार करनी पड़े, तो समझ लीजिए कि इनकी राजनीति कहीं ना कहीं संकट में है। और जो महाशय यहाँ बोल रहे हैं कि मुस्लिमों का सारा काम हो गया है, तो भाई साहब आप एक बार बंगाल के मुस्लिम एरिया में आके देख लीजिए, पिछले 10 सालों में मुझे बताइए बंगाल से कितने मुसलमान आईएएस बने हैं, कितने मुसलमान आईपीएस बने हैं, कितने मुसलमान आईआरएस बने हैं, कितने मुसलमान आईएएस बने हैं, कितने मुसलमान डॉक्टर बने हैं, आपके पास इसका हिसाब नहीं है। आप लोग मुसलमान होके मुसलमान का गला घोटने का काम कर रहे हैं। आप लोग जैसे इंसान ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, आप लोग आपके खुद के कौम को पीछे खेलने का काम कर रहे हैं। आप लोग भाषा की राजनीति कर रहे हैं। आप लोग ना हिंदू का भला कर सकते हैं ना मुसलमान का भला कर सकते, आप लोग खाली अपना राजनीतिक दुकान चला सकते हैं, और जिसके कारण से भारत वर्ष में हिंदू वंचित है,
मुसलमान वंचित है सब सुख सुविधाओं से, और आप लोग ही हैं जो लोग अपना दुकानदारी चलाने के लिए इन जैसे राजनेताओं का टीएमसी असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के राजनेता का चोला पकड़ के आप लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह की राजनीति को बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले दिन प्रतीक्षा कीजिए, बंगाल में एक ऐसी सरकार बनने जा रही है बादल देवना सरकार, बादल देवना सबका साथ सबका बादल देवना। अगर अल्पसंख्यकों के लिए 10 सालों में टीएमसी ने सब कुछ कर दिया तो ममता बनर्जी को किस बात का डर है? ममता बनर्जी को ये कहने की क्यों जरूरत आन पड़ी कि इस बार बचना मत, आप सब एक हो जाओ? अरे जब आपने काम कर दिया तो बताने की जरूरत क्या है? समझ गया, बापा को मैं बोलूंगा वो राजनीति थोड़ा परिपक्व हो गया, मैं पहले ही बता दिया ना बापा को। बापा हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में एक बार जाओ, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में जाओ, हिंदुओं के साथ कितना मुस्लिम से मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, कितना मुस्लिम से मद्रासा का बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर आप बोलेंगे तो उसका आंकड़ा भी आपको दे देंगे। तुम तो शिकार कर दो, मैं सुना सीनियर हूँ, पहले सुनो आंकड़ा बाद में देना। सुनो ना भाई, पहले सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कॉलेज में यूनिवर्सिटी जाओ, इस साल में कितना मुस्लिम से स्कॉलरशिप लिया, मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, लॉ कंप्लीट किया, एक बार जानकारी लेके पुतुस जी को दिए देना और मेरे पास जानकारी है कितना परसेंटेज है मुसलमानों के लिए, और झूठ मत बोलो भैया। तीसरा बात पुतुस जी, आपके पास सारा आंकड़ा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के बारे में आप बोल नहीं पा रहे, बताइए ना 3 साल से रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? बादल देवनाथ जी मैं मालदा में, उसके पहले मैं मुर्शिदाबाद में था, वहाँ पर हमने देखा अंदरूनी इलाकों की क्या स्थिति है। लोग वहाँ पर कहते हैं कि ममता दीदी तो कोलकाता में रहती है, यहाँ झांकने तक नहीं आती, देखने तक नहीं आती ममता बनर्जी। और क्या आपको चाहिए? बादल देवनाथ जी आप कभी आकर के मालदा और मुर्शिदाबाद में फरक्का के अंदरूनी इलाकों में जाइए, जो भागीरथी के किनारे जो जितने गांव बसे हैं जरा उनकी तकलीफ सोचिए, तकलीफ समझिए, देखिए। वो कह रहे कोई झांकने नहीं आता, यहाँ पर कोई देखने नहीं आता, सब कलकत्ता की बात करते हैं, महानगर की बात करते हैं, बहुत चमक दमक है वहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है, जमीन कट जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, कोई देखने तक नहीं आता, कहाँ जाए क्या करें? 3 साल से शामिल कर रहा हूँ बहुत देर से। अच्छे सरावत जी देखिए, चुनाव होता है डेवलपमेंट के मसले पर, उसको धार्मिक रंग धार्मिक चश्मे से देखा जाना ये कहां तक जायज है? अच्छा सरावत जी, काम अगर होता है, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन जब बात सरकार चुनने की आती है तो उसमें धार्मिक रंग क्यों चला आता है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं प्रत्युत जी, कि अगर कार्य होता, वहां डेवलपमेंट होता, यूनिवर्सिटियों के काम होते, या वहां किसी मुसलमान का हिंदू का काम होता, तो धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं थी ममता बनर्जी को कलमा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, बुर्का पहनने की जरूरत ही नहीं थी, अपने काम गिना देती कि मैंने ये काम किए। आज मेरे पास काम गिनाने के लिए नहीं है, आज वो मंत्र पढ़ना किसी राजा के खिलाफ गायत्री मंत्र पढ़ना, अभी बादल साहब यहाँ पर सर फूटते हुए पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब काम नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता है, तो धार्मिक रंग चढ़ाने की कोशिश होती है, हमने मुसलमानों के लिए किया, हमने हिंदू के लिए किया, लेकिन अब ये जहाज जो है ये डूब रहा है वहाँ पर, और इनको इस बात की टेंशन हो रही है, लास्ट में ये उस रंग को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से मुसलमान हमारी तरफ हो जाए, लेकिन अब मुसलमान भी जान चुके हैं कि उन्होंने हमें शोषण किया, हमारा कुछ काम नहीं किया, इसलिए बौखलाहट है। अब इनको सूत्र समझिए, आप धर्मगुरु हैं और राजनीति में अच्छी तरीके से समझते हैं। अच्छा सरावत साहब, मेरा एक सवाल है आपसे,
क्या चंडी पाठ पढ़ने से, कलमा पढ़ने से, जय श्री राम कहने से क्या वोट मिल जाता है क्या? तब तो फिर तमाम सरकारों को काम काज बंद कर देना चाहिए था और सिर्फ और सिर्फ हर जगह तख्ती पर जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे हरे, कलमा अल्लाह अकबर लिख देना चाहिए था, वोट अपने आप मिल जाता, कोई काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं मिलता। अगर ऐसे धर्म के नाम पे वोट मिलता तो सारी राजनीति दो पक्षों में बढ़ जाती, काम करना पड़ता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी काम करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे टीएमसी करे, चाहे दूसरा कोई लेफ्टिस्ट काम करे, काम तो करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करेगा तो चला जाएगा। हाँ, काम करने के साथ साथ अगर आप बताते हैं कि हमने मंदिर का निर्माण किया है, काम करने के साथ साथ आप बताते हैं कि हमने 370 को हटाया है, काम करने के साथ साथ आप बंगाल में कोई बात रखते हैं कि हम वहाँ सुधार बंगला बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो लोगों को समझ में आ जाएगी। खाली सतचंडी पाठ करने से ममता जी हिंदू अब मूर्ख नहीं बनेगा। हिंदुओं को पता है कि आपने 10 सालों में हिंदुओं का बहुत ज्यादा शोषण किया है, वहां पर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है बहुत ज्यादा, आपने उनको वो चोट नहीं दी है। वो बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आने में टीएमसी ने बहुत देर कर दी। अगर आपने 10 साल काम किया है तो दम ठोक करके बताइए कि हमने ये काम किया है। आप बीजेपी के ट्रैप में क्यों फंस गए, और जो फंसे हैं तो बहुत देर हो गई। अब आपको चंडी पाठ की जरूरत पड़ रही है, ब्राह्मण की बेटी बताने की जरूरत पड़ रही है, गोत्र बताने की जरूरत पड़ रही है, क्यों देर हो गई, मानेंगे ना आप? ये जो धर्मगुरु बैठा है, ये ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है, अरे बाबा ऐसे ये सब बात बोल कर कोई फायदा है? 9.5 साल तक आपने अल्लाह अल्लाह करके वोट मांगा, 9.5 साल आपने नीचा डाल के वोट मांगा, और अभी धर्म गुरु को अटैक कर रहे हैं। अगर दम है तो आप पूरा शरीफ के धर्म गुरु को दम मिलेगी, अगर दम है तो आज दूसरे धर्म मेहताब उस्मानी, लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम करना जरूरी है कि या मंच से कलमा पढ़ना जरूरी है? मुझे बात बता दीजिए मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी। अरे धर्मगुरु के ऊपर अटैक करने से कुछ नहीं बोले होने वाला, बादल साहब आपका पाप का घड़ा फूट चुका है, जो गाय सबसे बड़े जिस प्रकार से गाय की सरेआम हत्या कराई है, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर गौ मां सरेआम बेचा गया, तस्करी की, उसके पाप का घड़ा दिल्ली में दंगा कैसे हो गया था? ये पाप दिल्ली में 24 जून 2020 में दंगा कैसे हो गया था? अरे आसान दंगा क्यों हुआ था? में दंगा क्यों हुआ था? बिहार में दंगा क्यों हुआ था? बादल देवनाथ, मेहताब उस्मानी इस वक्त डिबेट में नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बादल देवनाथ, आप और टीएमसी लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी जय श्री राम के नाम पर वोट मांगती है, उसके पास बताने को कुछ नहीं है। मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ बादल देवनाथ, आप कहते हैं जय श्री राम के नाम पर वोट मांगती है बीजेपी, दीदी को क्या जरूरत है कलमा पढ़ने की? किसके नाम पर वोट मांग रही है? अगर आपने काम किया तो आप क्यों कलमा पढ़ रही हैं? क्या जरूरत पड़ी आपको पढ़ने की? अगर आपने काम किया तो यही तो आप लोग फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि आप जय श्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं? अगर वो मांग रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर वो जय श्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो दीदी क्या कर रही है? आप लोग यही समझते नहीं है, दीदी सबके लिए बात करता है, हिंदुओं के लिए बात करता है, मुसलमानों के बात करता है, ईसाइयों के लिए करता है, सबके लिए काम करता है ममता बनर्जी। डिफेंस तो यही पर है और जो राम का सुना है, यीशु मसीह के नाम पर वोट मांगता है, मोहम्मद मोहम्मद नाम पर वोट मांगता है, कोई हजरत अली के नाम पर वोट मांगता है, के नाम पर जैन के नाम पर वोट मांगते हैं, भले सब कहे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हो रही है, धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति हो रही है, कोई इससे अछूता नहीं है। बंगाल चुनाव और वोट बैंक जो ना कराए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इजाजत दे रहा है इसलिए यहीं पर डिबेट को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन डिबेट को खत्म करने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आया, आरोप लग रहा है, बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया, 924 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है, नेहाटी में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है, हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है बीजेपी का कार्यकर्ता, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ये हमले का आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया।
बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, नॉर्थ 24 परगना से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। और चलिए इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।